Hi there, welcome back to part 11 of 0 to 1 crore series, and I hope you're liking the series. If you are really liking the series, I would love to know your feedback. Let me know in the comment box below कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, आपको क्या क्या चीज़ सीखने को मिली है. Give me a genuine feedback about this series in the comment box. So you can pause the video. I really want to see a genuine feedback and then you can move ahead with the video. All right? So let's go ahead. अभी एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम आपको ये चीज़ समझ में आ गई है दैट हाउ यू कैन इंक्रीज योर कन्वर्जन्स एंड हाउ यू कैन मेक योर कस्टमर्स स्पेंड मोर, राइट? नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट हाउ यू कैन मेक योर कस्टमर्स बाय मोर ऑफन. ओके, हाउ यू कैन मेक योर कस्टमर्स बाय मोर ऑफन. नाउ बिफोर आई गो अहेड विद दिस, आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू अ क्विक इम्पैक्ट कि आप ये जो चीज़ करोगे इससे इम्पैक्ट क्या क्रिएट होएगा. ओके, लेट मी जस्ट क्विकली शो यू द इम्पैक्ट. वन सेकेंड. ऑलराइट, सो have a look at it. Let's suppose there is a business. ये एक business number one है जिसमें कि let's say B1 जिसमें कि let's say 1000 customers हैं, ठीक है? On an average वो 1000 रुपये spend करते हैं, 1000 रुपये spend करते हैं हर visit पे. And let's say ये 1000 customers on an average एक साल में 10 बार आते हैं, 10 visits करते हैं. मैंने आपको क्या चीज़ बोली कि आपको नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाने हैं. 3 ways टू स्केल अ बिजनेस, राइट? आपको नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाने हैं, आपको उनसे ज़्यादा खर्चा करवाना है, और आपको उनसे बार बार बाय करवाना है. अगर आप इन तीन चीज़ों में, आपका ये बिजनेस 2 है, अगर आप इन तीन चीज़ों में सिर्फ अगर 10% का भी इजाफा कर पाए, लेट मी शो यू द इम्पैक्ट. सिर्फ 10%, यानी कि 1000 कस्टमर्स से, 1000 कस्टमर का 10% होता है 100, यानी कि अगर आप 1100 कस्टमर्स पे पहुंच गए. मैंने आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजी शेयर करी है, सिर्फ 10% का इंक्रीज, इट्स वेरी मच डूएबल, राइट? 1000 रुपये के बजाय अब आप अपने कस्टमर्स से 1100 रुपये खर्च कर पा रहे हो, एंड 10 विजिट के बजाय अब आप अपने कस्टमर्स से एक साल में 11 विजिट करवा पा रहे हो. ओके, लेट्स हैव अ लुक एट द रेवेन्यू इन द फर्स्ट केस एंड लेट्स हैव अ लुक एट द रेवेन्यू इन द सेकंड केस. द रेवेन्यू इज गोइंग टू बी सिंपल, इज गोइंग टू बी 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10, विच इज गोइंग टू बी, एक 1 लगाए थे और 3 0 यहाँ पे, 3 0 यहाँ पे और 1 0 यहाँ पे. तो यूनिट 10 100, 1000 10000, लाख 10 लाख, करोड़. यानी कि ये बिजनेस एक साल में 1 करोड़ रुपये की अर्निंग कर रहा है. Alright, let's have a look at business number 2. 1100 multiplied by 11. अब इतना मैथ्स मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इससे अच्छा, राइट? यहाँ पे चलते हैं एंड लेट्स डू द क्विक मैथमेटिक्स ओवर हियर. सो 1100 multiplied by 11. इट कम्स आउट टू बी, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख लेता हूँ दूसरे पेन से, 1 3 3 1 0 0 0 0, यूनिट 10 100, 1000 10000, लाख 10 लाख, करोड़. 1,33,10,000 रुपये. यानी कि जो बिजनेस में इंक्रीज हुआ है, वो इंक्रीज जो हुआ है वो हुआ है, पहले जो रेवेन्यू था वो मेरा 1 crore का था, अभी वो 1 crore 33 lakh का रेवेन्यू का इंक्रीज हुआ है. 33 lakh रुपये, 33% इंक्रीज इन रेवेन्यू व्हेन यू आर एबल टू अचीव दीज थ्री थिंग्स इन योर बिजनेस, दैट टू एट जस्ट अ मीडियोकर मार्जिन ऑफ जस्ट 10%. मैं अभी आपको सिर्फ 10% की ग्रोथ की बात कर रहा हूँ. And all these things are very easily doable when you implement these strategies. That's the value, that's the power that you are going to achieve in your business when you achieve all these things in your business, जो कि अभी मैंने आपके साथ share करी है. Alright, so अब आपको ये चीज़ सीखना बाकी है, how do you make your customers buy more often? So यहाँ पर चलते हैं, let's learn that, okay? In the meantime, let me stop the recording over here. Alright, let's learn that, how to make them buy more often. सबसे important चीज़ in making them buy more often is a product that is recurring. अब see, again, like I said, आपको सारी चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी हैं. It's very much doable कि अभी शायद आपके पास इतना value देने के लिए नहीं है, इतना bandwidth देने के लिए नहीं है, इतना product देने के लिए नहीं है जो कि शायद अभी recurring product हो. लेकिन again, you need to know so that you can implement some things. और यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली. सारी चीज़ आज इंप्लीमेंट नहीं होगी. मेरे को पहली बार एवरग्रीन वेबिनार के बारे में पता चला था
वर्सेस जब मैंने उसे इंप्लीमेंट करा था, उन दोनों में 4 साल का डिफरेंस था. सी थिंग्स टेक टाइम. इट्स एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वेरी स्लो गेम. इट्स अ वेरी वेरी स्लो गेम. बट यू नीड टू नो एटलीस्ट द राइट स्ट्रैटेजीज सो दैट यू कैन एटलीस्ट गो इन द राइट डायरेक्शन, सो दैट एटलीस्ट यू कैन प्लान इन द राइट डायरेक्शन. सो द नंबर वन वे टू मेक योर कस्टमर्स बाय मोर ऑफन इज रिकरिंग. अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ईजिली कंज्यूम हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट है, फॉर एग्जाम्पल बियर्ड का प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट है, अब वो तो उन्हें बार बार लेना ही पड़ेगा ना दोबारा से, क्योंकि वो प्रोडक्ट तो एक ही बार उन्हें मिलेगा, उसके बाद जो नया चाहिए वो दोबारा लेना पड़ेगा. लेकिन इन योर काइंड ऑफ प्रोडक्ट, इन योर काइंड ऑफ सर्विस, सी हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस अ रिकरिंग एलिमेंट, व्हाटएवर इट इज. मे बी इट्स अ सर्विस बेस्ड बिजनेस, तो ऑब्वियसली वो तो आपका रिकरिंग ही चलेगा. बट मे बी इट्स अ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, सो सी इफ यू कैन एड सम काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन ओवर देयर. इट कैन बी अ मंथली सब्सक्रिप्शन, इट कैन बी अ ईयरली सब्सक्रिप्शन, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन. बट मेक श्योर, और एटलीस्ट ट्राई टू मेक श्योर दैट देयर इज अ सब्सक्रिप्शन दैट इज अटैच टू इट, दैट इज गोइंग टू एड अ लॉट ऑफ वैल्यू इन योर बिजनेस. अभी मैंने आपको कुछ यहाँ पे नंबर दिखाए थे, राइट? थिंक अबाउट इट, अगर ये सब्सक्रिप्शन में होने लग जाए, ये तो वन टाइम परचेजेस के नंबर थे, अगर यही नंबर सब्सक्रिप्शन में लग जाए तो ऑटोमेटिकली वो नंबर कहां पे जाएगा. एंड एवरी सिंगल टाइम यू डोंट हैव टू स्टार्ट एंड फाइंड द कस्टमर्स फ्रॉम स्क्रैच. यू ऑलवेज हैव टू keep on delivering quick value, good value to your customers, and they will keep on purchasing over and over and over again, like you keep on paying for your internet service, for your mobile service, for Netflix and tons of other services in the same way, right? So recurring. Second thing is that you can add long-term upsells. मैंने आपको बोला था ना कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होंगे जिसमें कि इमीडिएटली सेल्स फनल इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, कुछ बिजनेसेस ऐसे होंगे जिसमें कि इमीडिएटली सेल्स फनल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि द फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोडक्ट इटसेल्फ इज समथिंग जिसमें कि यू नो इट्स लाइक अ प्रोडक्ट जिसमें कि आप इमीडिएटली और कुछ नहीं देना चाहते हैं, ना ही आप उस समय देना, इट्स अ राइट स्ट्रैटेजी. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपका कोर्स बाय करा, अगर कोर्स है एक प्रोडक्ट, तो कोर्स के ऊपर आप एक और चीज़ इमीडिएटली शायद नहीं दोगे, मोस्ट लाइकली नहीं दोगे, अनटिल अनलेस यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड, आप उसमें नहीं दोगे, क्योंकि पहले आपका काम है, अभी उसने आपसे पहली बार कोई प्रोडक्ट बाय करा है, सो यू वॉन्ट टू डिलीवर वैल्यू टू द पर्सन, यू शुड डिलीवर वैल्यू टू द पर्सन, राइट? सो लेकिन उसमें लॉन्ग टर्म अपसेलिंग कैसे आएगी, उसमें लॉन्ग टर्म अपसेलिंग ऐसे आएगी दैट you consistently deliver value to them over a period of time, and then now you are coming up with another set of product that is gonna help them in much better way, in a much far superior way, and then you are charging more for that. It can be a personal one-on-one consultation over phone calls, over personal private mentoring, or it can be a event that you are doing. It can be anything, but a long-term upsell is attached to it. Kuch log usko second level product bolte hain. You can call it long-term upsells, whatever you want to call it, you can call it. My brother calls it second level product, you can call it long-term upsells. In our sales funnel, we add the upsells immediately. In all the businesses, it cannot be added immediately. You can add it over a period of time. But the concept is that you add another level of product. It's the easiest way to scale a business. I mean, what a lot of people do is, वो नए customers को chase करते रहते हैं कि उनसे revenue आएगा. बस जो customers आपके पास already हैं, उनको अच्छा service दो. आपका customer acquisition cost is zero, and still you are getting the same revenue. Your major focus all the time has to be to give highest level of service to your existing customers, because that is free money that is coming to you, that is free scaling that is happening for you, that is free word of mouth that is happening for you, and that is free referral that is happening for you, because they are going to introduce your product, your services to their friends. Got it? So this is the concept of long-term upsells. Ek second, mic check karo, ha mic on hai. Right, so that's the concept of long-term upsells. A quick examples. एक छोटा सा स्ट्रैटेजी, ऑल दी लॉन्ग टर्म अपसेल शुड बी इन स्ट्रेट लाइन. ऐसा मत करना कि आपने जो आपका पहला लेवल प्रोडक्ट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और जो दूसरा लेवल प्रोडक्ट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और आप कह रहे हो कि ये है तो ये भी बाय कर लो. दिमाग लगाना, जो सेम चीज़ है, जो आपने जो पहला नीड आपने अपने पर्सन का, अपने कस्टमर का सॉल्व करा, जो पहला डिज़ायर आपने अपने पर्सन का, अपने कस्टमर का सॉल्व करा, उसी डिज़ायर को और कैसे ईजी, बेटर, सुपीरियर वे में आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन. ओके, डू नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक. हाउ यू कैन मेक इट बेटर, फास्टर, ईजियर, सुपीरियर, दैट हैज टू बी अ लॉन्ग टर्म अपसेल. ओके, अ क्विक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जो मोबाइल फोन कंपनीज हैं, दे ऑल्सो कम अप विद ईयरफोन्स. मे बी पीपल बाय इट राइट देन एंड देयर, मे बी दे कीप ऑन बाइंग इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. लैपटॉप के साथ भी ईयरफोन्स वगैरह, इट्स अ वेरी स्ट्रैटेजिक अपसेल, एंड पीपल नो कि जिसने मोबाइल फोन लिया है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ईयरफोन्स वगैरह भी बाय करते ही रहेंगे. सो इट्स अ different kind of product, but it is complementing the base product, right? So it's an upsell, long term upsell.
अगर मैंने लेट सपोज फेसबुक एड्स का कोर्स दिया तो उसके साथ मैं फनल का कोर्स भी दे सकता हूँ. सो आई हैव अ कोर्स विच इज ऑन फेसबुक एड्स, आई हैव अनदर कोर्स विच इज ऑन फनल्स, आई हैव अनदर कोर्स विच इज ऑन कॉपी राइटिंग. एट द एंड ऑफ द डे ऑल दीज कोर्सेज दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज ऑल ऑफ दीज कोर्सेज दे हेल्प यू इन अचीविंग बेटर ऑनलाइन रिजल्ट. तो तीनों का जो डिलीवरी ऑफ कंटेंट है वो अलग है, लेकिन जो एंड गोल है इट इज इन स्ट्रेट लाइन. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन वर्क साइड इन हैंड. सो अगर किसी को फेसबुक एड्स का कोर्स लिया है तो मैं उसको बाकी दो कोर्सेज भी सेल कर सकता हूँ. किसी ने ये वाला लिया है तो मैं उसको बाकी दो कोर्सेज भी सेल कर सकता हूँ. अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि सिंपली हम आपको फ्लेक्सी फनल्स के अंदर मेरे जितने कोर्सेज हैं हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं एज ऑफ दिस पर्टिकुलर मोमेंट. आई डोंट नो इन द फ्यूचर, एज ऑफ दिस पर्टिकुलर मोमेंट वी आर गिविंग इट टू यू कॉम्प्लीमेंट्री. एंड अनदर काइंड ऑफ अपसेल्स कैन बी इवेंट्स. लेट्स से वी स्टार्ट डूइंग इवेंट्स, तो वहां पे आपको बुलाया, सो वी डिलीवर मोर value to you over there, right? And we end up generating more revenue from you from the same set of customers. Again, it's an upsell, right? A gym member, aapne ek gym ki membership join kari, and over a period of time, let's say they motivate you to get a supplements from them. Wahan ke jo trainer bhi honge na, wo bhi aap dekhna. जिम में इट्स अ वेरी स्ट्रैटेजिक मूव. जो भी आपके पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं, जो भी आपके वहाँ पे ट्रेनर्स होते हैं, वो हमेशा अपने हाथ में वो प्रोटीन की बॉटल रखते हैं और वो हिलाते रहते हैं हमेशा वो प्रोटीन की बॉटल आपके सामने हमेशा, क्योंकि वो आपको दिखाएंगे, टीज करेंगे. सामने वाला बंदा पूछेगा ना ये है क्या, अरे इससे तो बहुत बेटर रिजल्ट आते हैं. एंड देन दे विल सेल यू दी सप्लीमेंट्स और मे बी दे विल इवन पिच यू फॉर दी पर्सनल मेंटोरिंग. दिस इज पीएम पर्सनल मेंटोरिंग. अगेन लॉन्ग टर्म अपसेल्स. उन्हें पता है कि जो जिम में बंदा आ रहा है वो महीने के 1,000, 2,000, 3,000 रुपए सिर्फ नहीं देगा, उससे आगे जाके हम सप्लीमेंट्स भी करेंगे, उससे आगे जाके हम पर्सनल मेंटोरिंग भी करेंगे. एंड दैट इज हाउ द लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू इज गोना इंक्रीज. ऑलराइट, मोबाइल फोन्स के अंदर एक और, मोबाइल फोन्स का एक्चुअल रेवेन्यू इट्स नॉट जस्ट दी मोबाइल फोन बट उसके अंदर जो ऐप स्टोर के अंदर जो आप परचेजेस करते रहते हो, दैट्स वेयर अ लॉट ऑफ रिकरिंग रेवेन्यू कीप्स ऑन कमिंग. राइट, लॉन्ग टर्म अपसेल्स. कार मोबाइल, अगर आप कार मोबाइल ले रहे हो तो उसके बाजू में फिर उसके साइड में आपको सर्विसेज भी मिलती है ना. हर एक साल में, हर 6 महीने में आपको बाइक की, कार की सर्विसिंग तो करवानी पड़ेगी ना. अगेन लॉन्ग टर्म अपसेल्स. एवरी सिंगल गुड बिजनेस ऑन द प्लैनेट हैज अ लॉन्ग टर्म अपसेल दैट इज प्लान इन टू इट. एवरी सिंगल गुड बिजनेस. एंड यू हैव टू प्लान समथिंग इन योर बिजनेस इवन इफ यू आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट इट राइट नाउ, बट कीप अ प्लान ऑफ इट. ऑलराइट, और एटलीस्ट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इट दैट आई हैव गिवन टू यू. राइट, हाउ टू डू लॉन्ग टर्म अपसेलिंग. ओके, हाउ टू डू लॉन्ग टर्म अपसेलिंग. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन, एंड दैट इज बी अ पर्सन और अ बिजनेस ऑफ वैल्यू. अंटिल एंड अनलेस आपके बिजनेस में वैल्यू नहीं है, अंटिल एंड अनलेस आपके प्रोडक्ट्स अपने एक्सपेक्टेशंस को लिव नहीं कर रहे हैं, ओवर डिलीवर नहीं कर रहे हैं, योर कस्टमर्स आर गोइंग टू बी पिस्ड ऑफ, दे आर गोइंग टू गो टू सम अदर प्लेस. फॉरगेट अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरगेट अबाउट द साइनिंग दैट दे हैव डन विद यू, नथिंग मैटर्स. अगर आप और आपका बिजनेस और आपका प्रोडक्ट उनको वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहा है, उनको वो चीज़ नहीं जस्टिफाई लग रही है, दे आर नॉट गोना स्टिक विद यू. यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. सो यू हैव टू कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, यू हैव टू कंसिस्टेंटली थिंक कि हाउ यू कैन गिव देम हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्विस एंड एटलीस्ट डिलीवर ऑन द प्रॉमिस जो आपने उनको प्रॉमिस करा है. How to do long-term upselling, once again, stay in touch. It's very important that you keep in touch with your customers. And that's where, once again, email marketing comes into the picture. That's where, once again, आपको मैं बोल रहा था कि आपके जो buyers का data है, वो आपके एक अलग email list में होना चाहिए. You have to consistently keep on reminding them. ये ऐसे ही कोई जो bank वगैरह आपको वो भेजते हैं happy birthday, you know, birthday के birthday, happy birthday message. They have those automated softwares. All those messages go on automatically. Every single good company does that. They send you the emails, they send you the messages, they send you all the stuff, right? You have to stay in touch. You have to be in front of their mind. You have to be in front of their eyes every single time. You have to stay in touch. And SMS, WhatsApp, Telegram, email marketing, these are the best channels to stay in touch. Email is far more professional. At the same time, jitne other communication channels aap create kar sakte ho, that's way too helpful. Aap unko apne social media groups ka part, handles ka part bana sakte ho, that's even more helpful. Again, the more they see you, the more trust is gonna created, the more they are going to be in your zone, and the more they are going to make purchases of your products. Alright, how to do long-term upselling? Automatic selling. Automatic selling. I mean, how do you do automatic selling? इसके अंदर भी a couple of things come. Number one, email communication. मैंने आपको दिखाया था ना, मेरे email का sequence बना हुआ था. पहले दिन ये mail जाता है, दूसरे दिन ये जाता है, तीसरे दिन ये जाता है. अब मैंने एक product दिखाया किसी को, अभी
एक नॉर्मल जो एवरेज कन्वर्जन रेट रहता है वो अराउंड 2-3% का रहता है. फॉर एग्जाम्पल आपका जो पहला प्रोडक्ट है, जब आपने किसी को अपना पहली बार अपना पहला प्रोडक्ट दिखाया, अगर 100 लोगों ने देखा तो बेयर मिनिमम 2-3 लोग बाय करेंगे, विच मीन्स देर इज ऑलवेज गोइंग टू बी 98-97 पीपल आउट ऑफ एवरी 100 पीपल जो कि बाय नहीं करेंगे. तो क्या आप उनको छोड़ दोगे? नहीं. दैट्स वेयर स्केलिंग कम्स इनटू द पिक्चर. दैट्स वेयर ऑल दोज ईमेल ऑटोमेशन सीक्वेंसेस दे कम इनटू द पिक्चर. वी कीप ऑन सेंडिंग देम दोज ईमेल्स ऑटोमेटिकली. वी कीप ऑन प्लानिंग those emails ki okay theek hai abhi over a period of time we have send these emails over a period of time let's send some offer ki ab ye wala product we can pitch maybe over a period of time we can send some other offer maybe over a period of time we can promote any affiliate offer. Everything comes into the picture. Again, long-term upselling, long-term automatic upselling. और वो emails हमारे आपने देखा था ना, मेरे एक एक email पे एक जगह पे 500 लोग थे, एक जगह पे 600 लोग थे, एक जगह पे 400 लोग थे. हर email पे कुछ ना कुछ value deliver हो रही है. हर email पे मेरे सारे products के buying links जा रहे हैं. Somewhere, somehow, some selling is happening even right now. And it's completely automated. That's the power and the beauty of doing an online business. Because it's completely automated, that's why it scales. And that is the reason why so many people are not able to scale. Because they don't know these strategies and they keep on chasing the extra stuff, they keep on chasing the next set of customers. But the reality is that the real money lies in optimizing the stuff that you already have. So email communication, and we have a feature of auto upselling in Flexi for courses. मैं आपको ये दिखा देता हूँ. Courses के अंदर एक हमारा automatic upselling का feature हमने डाला हुआ है. So इसमें क्या होता है? So as I told you that आप अपने courses को host कर सकते हो Flexi Funnels के अंदर. This is a brilliant feature. At the same time, yes. तो आप अपने courses को multiple bundles में divide कर सकते हो. So for example, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे timeline nomination एक program है. Similarly, एक मेरा funnel के ऊपर program है जो कि let's say 15,000 रुपये का है. एक मेरा copywriting के ऊपर program है जो कि 15,000 के आसपास रुपये का है. Similarly, email marketing का program है जो कि similarly 10-15,000 रुपये का है. SMM में एक program है हमारा जो कि हमारा 6-7,000 रुपये का था. लेकिन एक हमारा टाइमलाइन डोमिनेशन प्रोग्राम है जिसके अंदर फेसबुक एड्स, ईमेल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, कॉपीराइटिंग सब हम देते हैं एंड एवरीथिंग कंबाइंड 28,000 रुपीज़. सो दैट इज कॉल्ड अ बंडल. कि आप चाहो तो हमारा पूरा बंडल ले लो, आपको सब मिल जाएगा एक जगह पे, या फिर आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स ले लो. अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे फ्लेक्सी के अंदर हमने एक बहुत अच्छी चीज़ करी है. ये चीज़ दूसरे प्रोडक्ट में नहीं थी, हमने करी हुई है. ठीक है, हमने इसमें क्या करा हुआ है, आप एक ही कोर्स को, अभी हमें क्या पता है क्या करना पड़ता था, अभी हमें ये करना पड़ता था कि हमारे ये जितने अलग अलग कोर्सेज है ना, इन सब के अलग अलग लॉगिन यूआरएल बनते हैं, इन सब के अलग अलग एक्सेस बनते हैं. तो अगर एक कस्टमर दो कोर्सेज का पार्ट है तो वो दोनों अलग उसे एक्सेस जाते हैं. फ्लेक्सी के अंदर हमने इसे इतना ईजी कर दिया है कि अगर आपका एक ही कोर्स है और इट इज़ डिवाइडेड इंटू मल्टीपल पार्ट्स, तो आप एक बड़ा कोर्स बना सकते हो, उसी के अंदर आप उसे मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. व्हाट यू कैन डू इज, अगर किसी ने लेट सपोज हमारा SMM में बाय करा, लेट सपोज टाइमलाइन डोमिनेशन के अंदर 100 लेसन्स हैं, SMM के अंदर मान लो 10 लेसन्स हैं, ऐसा है नहीं ऑफकोर्स, मान लो 10 लेसन्स हैं, तो अगर कोई SMM वाला बाय करेगा उसको एक्सेस पूरा जाएगा. URL उसका एक ही है, एक्सेस भी एक ही है, एक्सेस पूरा जाएगा, लेकिन जो बाकी के 90 लेसन्स हैं वो लॉक्ड रहेंगे, उसको सिर्फ 10 लेसन का एक्सेस मिलेगा. अब इससे क्या होगा, हर समय आपके कस्टमर्स को, सोचो आपने अपने कोर्स को ऐसे डिवाइड करवाया, हर समय आपके कस्टमर्स को जो बाकी के लेसन्स हैं वो दिखते रहेंगे. अब किसी के सामने, वो बोलते हैं ना, हाथ में आया मुँह को ना लगा, समथिंग लाइक दैट, वो उनके सामने है लेकिन वो उसे एक्सेस नहीं कर सकते. तो दैट इज समथिंग दैट कंसिस्टेंटली मोटिवेट्स देम, पुशेस देम कि यार मैं ये वाला भी बाय कर लेता हूँ, जब मेरे को ऑलरेडी इसमें इतनी वैल्यू मिल रही है तो बाकी भी बाय कर लेता हूँ, उसमें भी वैल्यू मिलेगी. ऑफकोर्स यू हैव टू डिलीवर वैल्यू, दैट्स वन थिंग विच गोज अनसेड, राइट. एंड उसके अंदर भी हमने ये फीचर डाला हुआ है कि हमने जो बाकी के लेसन है ना उसको हमने लॉक बटन लगा रखा है, जब कोई उस पर क्लिक करेगा उसमें लॉक रहेगा. और उसमें हमने ये फीचर आपको दे रखा है कि आप वहाँ पे अपना मैसेज डाल सकते हो, टू एक्सेस दिस कोर्स व्हाटएवर यू कैन टाइप इट ऑन योर ओन, टू एक्सेस दिस कोर्स यू हैव टू परचेज दिस XYZ, और वहाँ पे आप अपना बटन लगा सकते हो जिसमें कि आप अपना नए प्रोडक्ट का, उस वाले प्रोडक्ट का सेल्स पेज का लिंक डाल सकते हो. बंदा जाएगा, परचेज करेगा, उसको फिर से एक्सेस मिलेगा, उसके बचे हुए जो URLs हैं, बचे हुए जो मॉड्यूल्स हैं, लेसन हैं, वो ऑटोमेटिकली उसके अनलॉक हो जाएंगे. एंड दैट इज ऑटोमेटिक अपसेलिंग जो फ्लेक्सी आपके लिए कर रहा है 24/7. आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको बस एक बार जाके लेसन को लॉक करना है, उसमें अपना URL लगाना है कि आपको कौन सा अपसेल कोर्स अपसेल करना है इसके अंदर, एंड इट्स डन. योर कस्टमर्स विल कीप ऑन कमिंग, दे विल कीप ऑन बाइंग, सिंपल.
fully 24/7, right? I told you, Flexi is way too advanced. That is how it is. It's so many things, so many things. ये सारे features आपको नहीं मिलेंगे. That's the reason that we have taken up so much of time in building Flexi Funnels, because we wanted it to be the best, and that's what we have delivered. Alright, और एक और छोटी सी strategy, and that is invoice funnel. अब इसमें क्या होता है invoice funnel में, lot of people they only go with the low ticket funnel. जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे market price होता है, उसमें पहले हमने 47 दिखाया, फिर हमने higher value products दिखाए. In the Indian course funnel, I applied a different strategy. पहले मैं लोगों को 28,000 का product दिखाता हूँ. ऑब्वियसली उसमें रिजेक्शन रेट ज़्यादा होता है, जो अडॉप्शन रेट है वो कम होता है, लेट्स से 2% है. तो मैक्सिमम लोग इसमें वो होते हैं जो कि नहीं लेते हैं. लेकिन वो नहीं लेने का रीज़न इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी लेट्स से उतने लेट्स से बहुत सारे लोगों के पास उतने पैसे नहीं है उस समय, लेट्स से बहुत सारे लोगों के पास उतना ट्रस्ट फैक्टर नहीं है अभी सौरभ भटनागर के ऊपर कि मैं वो प्रोडक्ट लूँ. तो लेकिन उससे क्या होता है, देर इज स्टिल यू नो अर्ज कि यार मेरे को इस प्रोडक्ट को चाहिए था, लेकिन मैं अभी शायद इस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मेरे पे अभी इतने पैसे नहीं है. सो स्टिल दैट थिंग इज देयर कि मेरे को वो चीज़ लेनी है. एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई इंट्रोड्यूस माय अदर स्मॉलर टिकट प्रोडक्ट्स. तो उससे क्या होता है, नाउ दे हैव सीन मी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दे हैव सीन मी मल्टीपल टाइम्स. द मोर दे सी मी द ट्रस्ट फैक्टर डेवलप्स, प्लस आई ऑल्सो मेक इट अफोर्डेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो दे कीप ऑन बाइंग माई अदर स्मॉलर साइज प्रोडक्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड वंस दे बिकम अ पार्ट ऑफ माई स्मॉलर साइज प्रोडक्ट्स, आई डिलीवर अ लॉट ऑफ वैल्यू ओवर देयर, एंड दे कीप ऑन अपग्रेडिंग टू माई हायर टिकेट प्रोडक्ट्स. एंड दैट इज वेयर द फनल कीप्स ऑन रनिंग इन द इनवर्स वे, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वन मोर स्ट्रैटेजी, राइट? Plus, there is a lot of things that you can keep on doing. I mean, these are just a few strategies. Marketing is a game of experimentation, boss. आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, आप अपनी तरफ से strategies लगाओ, दिमाग लगाओ, खेलो, marketing करो, fun करो, enjoy करो चीज़ों को. Again, it's a game of experimentation. I have written it over here. It's a game of optimization, it's a game of innovation. You keep on optimizing, you keep on innovating, you keep on making things better. एक मेरी बहुत कॉमन सेइंग है जो मैं बार बार बोलता हूँ, एंड दैट इज 1% ऑप्टिमाइजेशन एवरी सिंगल डे. एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू डू. रोज अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज करो, रोज उसके कन्वर्जन को थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करते जाओ. अगर आज आपका पेज 10% पे कन्वर्ट हो रहा है, तो कल वो 10.5 पे कैसे कन्वर्ट होएगा? 10.5 पे छोड़ो, 9.5 पे कैसे कन्वर्ट होएगा? कम से कम कुछ तो चेंज करो. चेंज करोगे तो कुछ तो चेंज आएगा. कम से कम पता चलेगा, अच्छा ये करने से बेटर हुआ, ये करने से खराब हुआ. आपको चेंज ही नहीं करोगे तो वो वहीं 10 के 10 पे रह जाएगा. वॉट वी डू इज वी कीप ऑन चेंजिंग. वट आई डोंट वॉन्ट इज कि हर हफ्ते मेरा एक पेज एक ही लेवल पे कन्वर्ट करे. वट आई वॉन्ट इज कि नेक्स्ट वीक या तो वो बेटर करे या कम करे, ताकि अगर कम करे तो मुझे पता हो क्या करने पे कम करे, सो दैट आई कैन आई डोंट डू इट अगेन. एंड एट द सेम टाइम आई डू दी स्ट्रैटेजीज, आई फॉलो दी स्ट्रैटेजी जिसकी वजह से वो बढ़ सके. दैट्स वॉट वी डू. कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, कीप ऑन ऑप्टिमाइजिंग, कीप ऑन इनोवेटिंग. दैट्स वॉट यू गॉट टू डू वन से बेटर टाइम. आई नो अभी तक आपके लिए सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, एंड यू नो यू नीड टू अंडरस्टैंड यार, ऑनलाइन वर्ल्ड में आपके ड्रीम्स तो हैं बहुत बड़े बड़े. एक चीज ये समझो, ऑनलाइन वर्ल्ड में ड्रीम्स आपके बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन अगर किसी ने आज तक आपको वो लैपटॉप लाइफस्टाइल ये वो छोटे बड़े बड़े सपने दिखाए, ये सब बोलना बहुत ईजी है. ईजी हार्ड कुछ नहीं होता है. It's all step by step process. आप process follow करोगे, चीज़ें अपने आप होती हैं. The more you do things, the more you keep on becoming better at it. It's as simple as आप आज जाके किचन में पहली बार खाना बनाने का ट्राई करोगे, आप अच्छा खाना नहीं बनाओगे, लेकिन आपके घर में कोई होगा जो आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाता होगा. And the thing is कि उन्होंने उस किचन में जाके न जाने कितनी बार खाना बनाया, एंड दैट इज द रीज़न. द मोर यू रिपीट थिंग्स, द मोर यू बिकम बेटर एट इट. इट अप्लाइज इन एवरी सिंगल थिंग इन द वर्ल्ड, चाहे वो आपका गाड़ी चलाना हो, बाइक चलाना हो, कार चलाना हो, क्रिकेट खेलना हो, व्हाटएवर इट इज. द मोर यू डू थिंग्स, द मोर यू बिकम बेटर एट इट. एंड द सेम थिंग अप्लाइज इन योर ऑनलाइन बिजनेस. द मोर यू प्रैक्टिस हार्ड, द मोर यू स्पेंड मोर टाइम इन डूइंग थिंग्स, द better you keep on becoming and the better your results keep on happening. So do it one step at a time. सारी चीज़ें आज ही implement नहीं हो जाएंगी, लेकिन शुरुआत आज से करो. That is something which is way too important. Right? Just start. No need to implement all at once. One step at a time, like I said. Once you have your systems in place, and even if you don't have the system in place, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें advance हो चुकी है, once you even have a plan in place, या फिर even if you at least have the information in your mind, you know, for scaling, with respect to scaling, अभी ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं, if you can make a plan, then make a plan. Of course, make a plan. Otherwise, if it is, you know, if you are just starting out, then it's fine. At least now you know the concept. Right? The next video we are going to be talking about
ट्रैफिक कस्टमर्स कहाँ से लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है. सो आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टू गेट दी फ्री एक्सेस टू दिस पीपीटी द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. जाओ जाके साइन अप करो, आपको सारे पीडीएफ का फ्री एक्सेस मिलेगा और आपको जो हमारे बाकी रिसोर्सेज जो हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं वो आपको मिलेगा. द सीरीज लाइक आई सेड अर्लियर इज ब्रॉट टू यू बाय फ्लेक्सी फनल्स, वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड एंड सिक्योर्ड फनल बिल्डर ऑन द प्लैनेट. गो टू flexifunnels.com, चेक इट आउट. वी विल हेल्प यू टू स्केल योर रेवेन्यू. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.